Good morning students, today I am going to start our new chapter, that is chapter number 7, getting to know plants. मतलब plants के बारे में हमें क्या क्या पता है. जैसे कि हम normally अपनी life में normally बाहर जाके देखते हैं तो we are having a lot of plants, like we are having tree, grass, plant, little small plants. तो we have to categorize in this chapter different plants in different categories. मतलब हमें इस chapter में different plant को different categories में categorize करना है. अब हमारे पास 3 types की categories है, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. तो हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज क्या होती हैं, लेट स्टार्ट नाउ. बेस्ड ऑन द करेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, हर्ब्स, शर्ब्स एंड ट्रीज. सो प्लांट्स विद द ग्रीन टेंडर स्टेम एंड कॉल्ड हर्ब्स, जो ग्रीन टेंडर स्टेम होती है, जिनकी स्टेम ग्रीन होती है, दे आर यूजली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मैनी ब्रांचेस, उसकी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं होती, उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ब्स बोलते हैं. सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ द स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक. मतलब स्टेम हार्ड होती है पर ज़्यादा थिक नहीं होती. सच प्लांट आर कॉल्ड शर्ब्स, मतलब उनको हम क्या बोलते हैं, शर्ब्स बोलते हैं. अब हर्ब्स की बात करें तो 7.3A डायग्राम है, जो कि 7.3 का ए है, इसको हम हर्ब्स बोलते हैं. और 7.3 के बी को हम क्या बोलते हैं, श्रब्स बोलते हैं. एंड सी को बोलते हैं ट्री. तो सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, देयर स्टेम्स हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट आर कॉल्ड ट्रीज. नाउ बेस्ड ऑन द अबव करेक्टरिस्टिक कैन यू क्लासीफाई द प्लांट लिस्ट बाई यू टू एंड कम्प्लीट कॉलम 4, टेबल 7.4. नाउ प्लांट्स विद वीक स्टेम्स डेट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स. जिन प्लांट्स की वीक स्टेम होती है, जो कि सीधे खड़े नहीं हो सकते, वो ग्राउंड पे ही क्रीप करते हैं, उनको बोलते हैं क्रीपर्स. जैसे कि यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा क्रीपर्स. अब नाउ दिस प्लांट इज क्लाइंबर, जो कि आपके घर पे आप देखते हो कि जो मनी प्लांट है, मनी प्लांट क्या करता है, ऊपर ही ऊपर क्लाइंब करता है और एक बेल बनाता जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लाइंबर्स बोलते हैं. दीज आर डिफरेंट फ्रॉम हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज. तो हमने अभी क्या क्या पढ़ लिया, हर्ब्स कैसे होते हैं, शर्ब्स कैसे होते हैं, ट्रीज कैसे होते हैं, एंड क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स. Perhaps there are some plants in your school or at home that you take care, write down the names. Okay, अभी तो school started नहीं है, फिर हम बाद में पढ़ेंगे. Now, हम different parts of plant की बात करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं stem की. Observe closely the stem of different plants around you. Note down different structures, part, bones of by them. By the stems. Compare your observations with that of your friends. What do you find? क्या मिलता है आपको stems, bare leaves, branches, buds, flowers and fruits. ठीक है. Now, students, today I am going to close up to this much कि हमने plants के बारे में पढ़ा, plants के types के बारे में पढ़ा, herbs, shrubs and trees क्या होते हैं, then stem क्या होता है, creepers and climbers क्या होते हैं. Rest of the students we will teach in the next session because already we are about to complete our syllabus, so हम धीरे धीरे ही पढ़ने वाले हैं. So, let's start. We would require a glass, water, red, blue ink and a soft stem. Pour water to fill 1/3 of the glass. Add a few drops of red, blue ink to the water. Cut the base of the stem and put it in the glass shown in figure 7.6. Observe the setup. Does the color appear in the stem? You will find that the color rises in the stem if this is kept for a longer period of the color. Now, यहाँ पे आपको दिख रहा है जैसे कि एक स्टेम काट के हमने एक ग्लास के अंदर रखी है, तो आपको दिख रहा होगा पानी का कलर चेंज हो रहा है. अपीयर्स इन द वेन्स ऑफ द लीव्स ऑल्सो. हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कलर चेंज क्यों हुआ. फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट द स्टेम्स हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट, स्टेम ऊपर की तरफ जाता है. नाउ द वाटर एंड द मिनरल्स गो टू द लीव्स एंड अदर प्लांट्स पार्ट्स अटैच टू द स्टेम. जो वाटर और मिनरल है वो लीव्स में जाते हैं और दूसरे पार्ट से अटैच होते हैं वहाँ पे जाते हैं. नाउ यू कैन सी हेयर वाटर मूव्स अप द स्टेम एंड रीचेस लीव्स. मतलब पानी ऊपर जा रहा है और कहाँ पे पहुँच रहा है, लीव्स के पास पहुँच रहा है. एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड्स ऑफ स्टेम, मतलब जो यहाँ से काटी गई स्टेम उसका एनलार्ज व्यू ये है कि इस तरीके से एक सर्कल नजर आएगा. नाउ लीव, ऑब्जर्व द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स अराउंड यू एंड ड्रॉ देम इन योर नोटबुक. आर ऑल द लीव्स ऑफ सेम साइज, सारी लीव्स एक ही साइज की हैं और कलर की हैं. हाउ आर लीव्स अटैच टू डैम, लीव्स कैसे अटैच होते हैं. द पार्ट ऑफ द लीव
बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, मतलब जिस पार्ट से लीव्स अटैच होते हैं उसको पेटियोल बोलते हैं। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव इज कॉल्ड लैमिना, और जो ग्रीन पार्ट, बहुत बड़ा ग्रीन पार्ट होता है उसको बोलते हैं लैमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दीज पार्ट्स ऑफ द लीव इन प्लांट्स अराउंड यू? नाउ आपको देखना है पेटियोल कहाँ पे है और लैमिना कहाँ पे है। नाउ नेक्स्ट इज दिस इज लैमिना एंड दिस इज पेटियोल एंड दिस इज स्टेम। स्टेम से कनेक्ट होने वाला जो ये छोटा सा टुकड़ा है इसको पेटियोल बोलते हैं और ये बाकी इसको लैमिना बोलते हैं। नाउ लेट अस नो द लीव बेटर बाय द टेकिंग इट्स इम्प्रेशन। इफ यू थॉट द लीव्स कैन नॉट साइन, हेयर इज एन एक्टिविटी विच विल मेक यू थिंक अगेन। नाउ put a leaf under a white sheet of paper or a sheet in which in your notebook, hold it in a place, hold your pencil tip sideways or rub it on a portion of the having the leaf below. Did you get the impression? आपको एक impression मिलेगा। These lines on the leaf are called veins. उनको क्या बोलते हैं? Lines को veins बोलते हैं। Do you see a prominent line in the middle of the leaf? आपको एक prominent, एक बीच में एक line दिखेगी, उसको बोलते हैं midrib बोलते हैं। The design made veins in a leaf is called leaf venation. जो design बनाएगी उसको leaf venation बोला जाता है। If the design is net-like on the both side of midrib, the venation is reticulate. अगर वो डिज़ाइन जो लिप्स पे बनी हुई है वो नेट की तरह बनी होती है सो रेटिकुलेट बोलेंगे। इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन दैट द वेन्स आर पैरेलल टू वन अदर। अगर ग्रास की लीव्स देखोगे तो उसमें जो वेन्स होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। नाउ ऑब्जर्व द वेनेशन इन एज मैनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग देम फ्रॉम द प्लांट। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट, मतलब हमें बहुत सारी वेनेशन देखनी है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस लीव में दिख रहा है एक मिडरिब है, एक वेन्स है। अभी जो वेन्स की डिज़ाइन है इसी पर डिपेंड करता है कि वो पैरेलल वेनेशन है कि लीव वेनेशन किस टाइप की, वो इस पर डिपेंड करता है। और रेटिकुलेट वेनेशन होता है, वो रेटिकुलेट आपको नजर आ रहा है कि स्ट्रेट जो होते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उसको रेटिकुलेट या फिर पैरेलल बोला जाता है। ओके, नाउ नेम ऑफ सम प्लांट्स हैविंग रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन। आपको कुछ ऐसे प्लांट्स के नाम बताने जिसमें रेटिकुलेट और पैरेलल वेनेशन है। शैल वी नो फाइंड वी नाउ फाइंड आउट सम ऑफ द फंक्शन ऑफ द लीव्स। तो अब हम इस हेल्प से कुछ फंक्शंस लीव्स के फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, स्टिल आज के लिए इतना बहुत है। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।